बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे फेशियल स्क्रब फॉर सॉफ्ट सपल एंड नर्स्ड स्किन के लिए। जी फ्रेंड्स, आपकी स्किन को सॉफ्ट भी करेगा और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नरिशमेंट भी देगा। इसके अलावा आपकी जो डेड स्किन है वो भी ईजिली पील हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे चाहिए एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल। ये डीपली आपकी स्किन को मॉइस्चर करती है। 1 टीस्पून मैंने एलोवेरा जेल लिया है। 2 टीस्पून कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल में भी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। 10 नेक्स्ट मैं ऐड करूंगी कैस्टर शुगर 1/4 कप। कैस्टर शुगर एक्सफोलिएटिंग एजेंट है जो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। फ्रेंड्स, मेरे पास है ग्रीन टी बैग, टी बैग एक मैंने लिया है। एक टी बैग मैंने ऐड कर दिया है। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पर मुश्तमिल होती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई ऑयल का कैप्सूल जो कि एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स पर मुश्तमिल होता है। टी ट्री एसेंशियल ऑयल के चंद ड्रॉप्स, टी ट्री ऑयल ये एंटीसेप्टिक और हीलिंग प्रॉपर्टीज का पर मुश्तमिल होता है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मुझे चाहिए प्लास्टिक या शीशे का कंटेनर। जी फ्रेंड्स, हमारा फेशियल स्क्रब रेडी है। फ्रेंड्स, आप इसको 2 मंथ के लिए इजीली रख सकते हैं। हफ्ते में 2 मरतबा आपने इसको यूज़ करना है। जेंटली मसाज कीजिए, इससे आपके डेड सेल्स हैं जो स्किन के वो रिमूव होंगे। 7 से 8 मिनट बाद आपने ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने फेस पर कोई भी मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना। फ्रेंड्स, इसके साथ आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी, सॉफ्ट हो जाएगी और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नरिशमेंट मिलेगी। आपकी स्किन की मुकम्मल गिज़ा है क्योंकि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा। आई होप फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेमेडी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो सके और आप मेरी तमाम वीडियो से ईजिली फ़ायदा उठा सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।